So guys, and right now at सो वेलकम बैक गाइज इन बीजी रेट इस मी राज पासवान। तो आज का ये जो ट्रैवलिंग व्लॉग होने वाला है ये मुंबई टू यूपी की जर्नी होने वाली है। और ऐसे मैंने अगले कभी ट्रैवलिंग कभी किया नहीं है, सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। होप सो अच्छा एक्सपीरियंस हो। एंड सीट तो अभी हमें हमारी मिल गई है, लेकिन अभी ट्रेन खुलने का वेट करते हैं 6:35 को। एंड जैसी ट्रेन चाली गई वैसे डायरेक्ट मैं सोने जाऊँगा डायरेक्ट, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है फिलहाल। एंड देखते जो जो फेमस स्टेशन आते जाएंगे मैं उनका सीन्स लेते जाऊँगा। इग्नोर बैकग्राउंड। एंड मैंने जैकेट भी इसलिए पहन लिया क्योंकि अभी एमपी के आगे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, सो दैट्स व्हाई ठंड ज़्यादा लगती है, करके मैंने अभी से कैरी कर लिया है। सो चलो फटाफट में सीट टाइम चलते हैं एंड मिलते हैं। सो यार दिस इज 14, दिस इज बेटर। ऊपर की सीट है अच्छी है। 20 minutes later. Much later. सो गाइस अभी 8 बज रहे हैं। एंड अभी मैं थोड़ा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़ोन का आवाज़ आ रहा था घर के, मैं सोचा कि यहाँ पे ही आके ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। सो दिन बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा है वहाँ पे, और ऊपर से मुझे 36 आवर यहाँ पे ऐसा स्पेंड करना है। सो अब जाना तो है ही, सो कुछ कर भी नहीं सकते। एंड अभी फ़िलहाल मैं ट्रेन का खाना तो नहीं खाने वाला, तो मैं जो अलग अलग स्टेशन पर होते हैं वहाँ से ऑर्डर करने वाला हूँ। सो ऑर्डर कैसे करते हैं मैं आपको वो वीडियो के एंड में बता दूंगा। सो आप भी वहाँ से ऑर्डर वैसा कर सकते हो। तो इसके दो एप्लीकेशन होते हैं, या तो आप जिस एप्लीकेशन से आपने टिकट बुक किया हो आपको वहाँ पे भी फूड का ऑप्शन आ जाता है, या तो मैं आपको आगे बताता हूँ उस एप्लीकेशन के बारे में। एंड अभी जाके बुक करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ फूड का रिव्यू कैसा है। एंड चलते हैं एंड देखते हैं। सो गाइस मैं यहाँ पर फूड बुक करने के लिए यहाँ पर कंफर्म टिकट ऐप का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैंने अपना टिकट बुक किया था। तो यहाँ पर IRCTC फूड बुकिंग का ऑप्शन आता है, आपको सिंपल वहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे देन उसके बाद आपको अलग अलग स्टेशनों के नाम आपके सामने आएंगे। देन जैसे आपको कोई जो स्टेशन पर आपको अपना फूड चाहिए होगा देन वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा सिंपल। देन जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर कुछ अलग अलग होटल्स के नाम आएंगे, तो उसमें से आपको कोई भी एक होटल सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे सिलेक्ट करोगे थोड़ा लोडिंग होगा, आफ्टर लोडिंग देन हाँ देन आपको उनका मेन्यू कार्ड शो होगा, तो आप मेन्यू कार्ड रीड कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पे वेज स्टैंडर्ड थाली ऑर्डर किया था, मुझे बहुत ही सही लग रहा था। तो सिंपल ऐड पे क्लिक करना, देन चेकआउट पे क्लिक करना। आफ्टर चेकआउट आपको यहाँ पर सिंपल आपका मोबाइल नंबर डालना है। जैसे आप मोबाइल नंबर इंटर करोगे देन उसके बाद आपको शेड्यूल पे क्लिक करना है। देन जैसे आप शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर पेमेंट मेथड का ऑप्शन आएगा, तो इसमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी इज़ बेटर, तो कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक करते हैं। देन जैसे आप कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक करोगे उसके बाद आप देखोगे आपका ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, थैंक यू और ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस। तो आज जैसे आपका स्टेशन आएगा देन आपके सीट पर आपका फूड आ जाएगा। थैंक यू, चले चले, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। सो गाइस अभी हमने हमारा ऑर्डर पिकअप कर लिया है, अभी अपने सीट पर जाकर देखते हैं कैसा टेस्ट है, कैसा क्या है, वहाँ दे सकता हूँ। सो इनकी पैकिंग तो अच्छी लग रही है, अभी इन्होंने यहाँ पे बिल दिया इनका। देन
चलो इसे देखते हैं। टाइटली पैकिंग किया है, रबर से बांध कर किया है पैकिंग। इसमें रोटी होगा, नहीं पनीर की भाजी और स्वीट्स में उन्होंने एक पीस गुलाब जामुन दिया है एंड राइस, ये क्या आई थिंक नमक है आई थिंक, एंड ये दाल एंड ये एक और भाजी रही इन्होंने वेज। सो देखते हैं अभी टेस्ट करके मैं बता दूँ अपना ओपिनियन। सो बताता हूँ, सी नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी मैं थोड़े टाइम में पूछने वाला हूँ अपने डेस्टिनेशन की ओर। सो बात करते हैं जो फूड मैंने ऑर्डर किया था उसके रिव्यू के बारे में। अंदर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ लगा था और बाहर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर के ये टाइम मुझे थोड़ा शाम लगा था, तो जैसे मैं अभी ब्लॉग शुरू कर देता हूँ। तो बात करते हैं मुझे फूड कैसा लगा। एक्चुअली मैं बात करूँ तो क्वान्टिटी एंड क्वालिटी के मामले में सुपर दोनों ठीक था। आप इसी से ऑर्डर कर सकते हो, उन्होंने एक स्वीट दिया था, एक ही स्वीट दिया था लेकिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेस्ट था। एंड अभी कुछ टाइम में हम पहुँच ही जाएंगे, तो आपको भी ऑर्डर करना हो तो आप कर सकते हो मैंने जैसा बताया। ठीक है, तो मिलते हैं। या तो सो गाइस, अभी तक अभी बात कर रहे हैं अब तक की जर्नी के बारे में। मुझे इतना कुछ डिफिकल्टीज तो फेस नहीं हुआ, बट बस एक बोलते ना फैमिली साथ एक अलग फीलिंग होती है और अकेले ट्रैवल करने का एक अलग ही फीलिंग होता है। बट फैमिली के साथ ज़्यादा सेफ्टी फील होती है। अभी जैसे कि आप अकेले होते तो आपके सामान पर आपका ध्यान देना देन और भी अलग अलग तरीके के, लेकिन फिलहाल अभी तक तो मेरी जर्नी में मुझे कुछ जैसे डिफ़िकल्टीज फेस नहीं हुई। और थर्ड क्लास एसी में आप एकदम ईजीली एकदम आराम से आ सकते हो। सो और बस एक कि आप अगर ऐसा ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने नियर शॉप से स्नैक्स लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही हाई रेट्स में मिलेंगे और आपको ख़रीदने पड़ेंगे। सो अभी कुछ टाइम में तो हम पहुँच ही जाएंगे, तो ब्लॉग थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे। तो चलो मिलते हैं। और होप सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब तो मस्ट करना हमारे चैनल को। ओके, तो मिलते हैं टाइम में, तो फिर लेंगे, से ट्यून। वन आवर लेटर। सो यहाँ पे गाइज मैं अभी पहुँच चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन के यहाँ पे। आप देख सकते हो अभी मैं अपने डेस्टिनेशन के यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। गाइस मैं भी पहुंच चुका हूँ, आप देख सकते हो। सो बहुत ही इजी ट्रैवल था मेरे लिए और बहुत ही मज़ा आया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और कमेंट कर देना। सो चलते हैं अभी घर पे, मिलते हैं अगले वक्त में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।